نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى

हज़रत थानवी रमत के मवायस का सिलसिला चल रहा है अदवाम अल इस्लाम के नाम से हजरत का ये बात चल रहा है जिसमें बात चल रही थी कि असल चीज़ ये है कि बिला किसी दलील के अल्लाह ताला के और रसूल सल वसम के हुक्म को मानना उसके लिए किसी हकम और असरार के दर पे ना होना क्या हमत है क्या इसके अंदर असरार हैं? अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के रसूल वसल्लम का हुक्म है क्योंकि जो इसरार और हकम को उसकी समझता है किसी शर्य मसले की अगर वो किसी और जरिए से पूरी होती है तो कहता है फिर तो इसकी जरूरत नहीं है और इस पर हज़रत हजरतें इमाम फखरुद्दीन राजी रही का वाक़ चल रहा था कि शेख जब से फारिग हुएम दीनिया से फलसफे से तो सोचा कि किसी अल्लाह वाले से बैत होना चाहिए तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमत लात हो गए शेख ने कुछ असकार तालीम किए और कहा कि खलबत में हुरे में बैठ कर असकार किया करो जब असकार करने लगे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ बहुत तेजी के साथ अंदर से निकल रही है कोई चीज़ भागी निकल कर जैसे भागी जाती है निकली जाती है तो शेख से कहा कि मुझे तो यूं महसूस होता है तो शेख ने कहा वो जो मंतक और फलसफा तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है अब तो कहा कि मुझे तो ये मंजूर नहीं है मैंने तो बड़ी मेहनत से इस चीज को हासिल किया है ये अंदर से कैसे निकल जाए शेख ने कहा कि इसके बाद जो तुमको इल्म हासिल होगा जब ये महब हो जाएगा और फिर उसके बाद जो इलम हासिल होगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा और वो हकीकी इल्म होगा कहा कि नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है शेख ने फिर समझाया कि भाई वो वाहबी और हकीकी होगा कहा कि नहीं छोड़ के चल दिए अब इत्तेफाक ऐसा कि शेख की जिंदगी में इनका मौत का वक्त आ गया और शैतान मुनाजरे के लिए आ गया शैतान की आखिर वक्त तक ये कोशिश होती है कि किसी तरह से ये अपना ईमान बचा कर सलामती के साथ कबर में ना ले जाए पूछा के अब तो अल्लाह के दरबार में पेशी है और वहां सबसे पहले जो चीज काम आने वाली है वो तोहीद है तो तोहहीद की कोई दलील है तुम्हारे पास उनका एक दलील मेरे पास तो सौ दलीलें हैं कहा के पेश करो अब ये दलील पेश करते हैं शैतान उसे रद्द कर देता है दलील पेश करते हैं शैतान उसे रद्द कर देता है यहां तक के निन्यानवे दलीलें इनकी शैतान ने रद्द कर दी अब परेशान हो गए कि अब एक दलील बाकी है अगर यह भी रद्द कर दी तो खात्मा खराब हो जाएगा तो इनके शेख वहां से सैकड़ों मील के फासले पर वजू कर रहे थे खादिन वजू करा रहा था तो शेख को मुनकशिफ हो गया कि फखरुद्दीन पर ऐसा ऐसा सख्त वक्त आया हुआ है तो कहा कि अपने खादिम से कि फखरुद्दीन का आखिरी वक्त है और शैतान उसका खात्मा खराब कराना चाहता है तो खादिम ने कहा कि हजरत आप कोई दस्तगीरी करें उसकी मदद करें बस शेख पर एक कैफियत हुई कि एक चुल्लू पानी का फेंका और आवाज दी कहा कि इस मरदूत से यह क्यों नहीं कह देता कि मैंने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने को बिला किसी दलील के माना बस बतौर करामत के वाक्यात में आता है कि यह आवाज कानों में पहुंची और यहां भी तक आता है कि पानी के छींटे भी पहुंचे बस ये पहुंचना था कहा कि जा मर्दूद अपना काम कर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल अलैहि वसल्लम को बिला किसी दलील के मानता हूं बस भाग्य है शैतान इस पर फरमाया कि हजरत उमर का वाक्य आ गया कि हजरत उमर रजी जुम्मे का खुतबा दे रहे थे और वहां से सैकड़ों मील के फासले पर हजरत सारिया लश्कर के सरदार थे तो दुश्मन जो है वो उन पर हमले आवर हुआ चाहता था तो आपने समझा या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल यानी ए सारिया पहाड़ की पना लो अब खुतबे के दौरान कहा अब वो आवाज जो है खुतबे की वहां में ये आवाज़ वहां तक पहुंची और वो पहाड़ की ओट में हो गए अल्लाह ने उनको बचा लिया तो इस पर यह वाक्य चल रहा था फरमाया कि इसमें गैब का दावा नहीं कि पीरों को माज अल्लाह मुरीदों का हाल हमेशा मालूम हो जाता है बल्कि बात यह है कि हजरातें मकबूलान इलाही हैं ये हजरात मकबूलान इलाही हैं तो जो इनसे वाबस्ता होता है अल्लाह ताला उसको महरूम नहीं रखना चाहते जिसके तुरुक मुख्तलिफ होते हैं यानी सबके साथ एक जैसा मामला नहीं होता उसके तरीके मुख्तलिफ होते हैं और उनमें से एक तरीक ये भी है कि बाज़ औकात अल्लाह उन मशाइख को कशफ के जरिए से इत्तला दे देते हैं और उनको हुक्म देते हैं कि इसकी इमदाद करो और कभी शेख को इतला भी नहीं होती कोई लतीफा गैबी शेख की सूरत में आकर मदद करता है ऐसा भी होता है बस असल यह है कि अगर इब्तिला 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 अल्लाह की तरफ से वारिद है तो लुत्फन उन्हीं की तरफ से दरमान भी है यानी वहां से कोई आजमाइश है तो फिर उसका इलाज भी उसका मरहम भी उनकी तरफ से होगा दर्द अजिया दरमा नीज हम दिल फिदाए ओ शुदो जा नी, नीज हम के बीमारी दोस्त की तरफ से है और इलाज भी उस पर मेरा दिल फिदा है और जान भी बीमारी भी वही देते हैं नुस्खा भी वही पिलाते हैं ये हर वक्त का मुशाहिदा है कि इस तारीख में जाल भी है और काटने की कैचियां भी हैं। इसी को मौलाना रूम रहमत नहायत जोश से फरमाते हैं सद हजारा दामो दाना अस्त ए खुदा माचू मुर्गाने हरीसो बे दम बदम पापस दाम तू एम गर हम शहबाजी मुर् शवेम मी रिहाई हर दमे मारा दबा माराओ बाज सुए दामे मी रदेम ए बेन आज के ऐ खुदा सैकड़ों जाल और दाने हैं और हम परिंदों की तरह फरीस हैं यानी जैसे परिंदे को दाना दाना डाल दो परिंदे आना शुरू हो जाते हैं इसी तरह जगह जगह गुनाह के मवाक हैं वो क्या है दाना पड़ा हुआ है तो हम परिंदों की तरह हरीसो बेनवा हैं। हर दम आपके जाल के पाबस्ता हैं कि उस जाल में फंसते हैं अगरचे शाहबाज और सीम मुर् क्यों ना हो एक जाल से आप हमको रिहाई देते हैं और हम दूसरे जाल में फंस जाते हैं एक गुना छोड़ते हैं तो दूसरे गुना में मुब्तला हो जाते हैं एक जाल से निकलते हैं तो दूसरे में फंसते हैं फिर हक ने इसके काटने को यानी उन जाल के काटने को कैंची भी तैयार कर रखी है बस यही किस्सा है हर वक्त का मरना और हर वक्त का जीना है कश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमाने अजगैब जहा दी गस्त के खंजरे तस्लीम के कुश्तों को हर जमाने में एक और जान अता होती है चुनाचे इमाम राजी रो अल्लाह तला ने एक बीमारी दी के शैतान ने उनको परेशान कर दिया तो उसके साथ दवा भी नाजिल की कि शेख को कश हो गया शेख ने खादिम को इस हाल पर मुतला किया उसने इमाम की सिफारिश की कि दस्तगिरी फरमाइए शेख को जोश हुआ क्योंकि वो माजून मिनल्ला थे उनकी अपनी कुदरत नहीं थी उस वक्त अल्लाह की इजाजत से ऐसा हुआ मिनजान बिल्ला वो मामूर मिनल्ला थे तो शेख को जोश हुआ क्योंकि वो माजून मिनल्ला थे और उन्होंने बातिन भी तवज्जो की जिससे इमाम राजी के कल्ब से वसाविस खतरात रफा हो गए और जाहिर एआनत भी की जवाब तालीम किया जिसने शैतान के जाल को तार तार करके तोड़ दिया इसीलिए तो हदीस में है फकीहुन वाहिद अशद्द अल शै तानि आबिद की एक फकी हजार आबिदों से ज्यादा शैतान पर भारी है और यहां फकीर से मुराद आरिफ है निरा किताबें पढ़ा हुआ आलिम नहीं आरिफ अल्लाह की मार्फत रखने वाला जो शैतान से वाकिफ हो जुजियात फिका का हाफिज मुराद नहीं क्योंकि फिका तो इमाम राजी को शेख नजमुद्दीन कुबरा से ज्यादा याद थे मगर देख लीजिए कि शैतान के जाल को किसने तोड़ा इसीलिए मैं कहता हूं कि असरारोह और अबहास से तसली हासिल नहीं हो सकती और न उनसे शैतान भागता है तसल्ली इसी से होती है कि खुदा का हुक्म यूं ही है खुदा का हुक्म यूं ही है बस हम बदलील के मान के हैं असरार और असरारिकम के या उलूम कश्विया के दर पे ना हो ये खतरात से खाली नहीं बस तरीके तसव्फ से इतना हिस्सा ले लो तरीके तसव्वुब से इतना हिस्सा ले लो कि इखलास व एहसान हासिल कर लो बस इतना हिस्सा ले लो इखलास और एहसान हासिल कर लो सुबह अल्लाह जिसको इस इखलास और एहसान को क्या कहते हैं फरमाया कि इसको नस्बत कहते हैं नस्बत नस्बत मह अल्लाह के साथ नस्बत जुड़ जाए बस इससे ज्यादा और कुछ ना लो इखलास और एहसान इससे ज्यादा और कुछ ना लो सूफिया की तहकीकात और कशफियात का मतला ये सांप है सांप इनसे दूर रहो नुकता चू ते पौला दस्त तेज चू नदारी पर वापिस गुरेज पेशे ना के तस्वुफ की बारीकियां फौलादी तलवार से भी ज्यादा तेज है तलवार से ज्यादा तेज है जब तुम्हारे पास ढाल नहीं है तो फिर वापस आओ इस तलवार के सामने बगैर ढाल के ना आओ इसलिए कि तलवार को काटने से हया नहीं आती और तुम उसकी बारीकियों को नहीं जानते नहीं समझते और ये जो मैंने कहा है कि और से तसली नहीं होती बल्कि इतमान इसी से होता है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है इसकी तईद इस किस्से से तो होती ही है जो अभी बयान किया गया हदीस से भी इसकी तईद होती है चुनाचे रसूल सल्लाह ने वस वसे का यह इलाज बतलाया कि वसे के वक्त ही में अल्लाह और उसके रसूल सल्लम पर ईमान लाया मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया तो क्या हजूर सल्लाह वसलम को दलाइल मालूम न थे अजीब बात है कि जब वस वसे आए आमन तो बिल्ला ही व रसूल पर में लाया। कौन बता रहे रसूल सलिम यह तालीम फरमा रहे यकीन मालूम थे मगर दलाईल में गौर करने की तालीम इसीलिए नहीं फरमाई कि यह सिलसिला गैर मुतनाही है मसले से मसला बाद से बात बाद कहीं इंतहा नहीं है गैर मुतनाही है इस सिलसिले में शुबहात पर शुबहात निकलते चले आएंगे इसलिए वो बूटी बतलाई वो बूटी बतलाई जो हजार जवाहिरात से भी अनफा है आमन रसूल मगर अफसोस इसकी कदर नहीं की जाती क्योंकि बूटी बनिस्बत जवाहिर के अर्जा और सहलुल हुसूल है जवाहरात तो बड़े महंगे होते हैं और बूटी तो बड़ी सस्ती चीज है तो सस्ता इलाज बताया आपने और कायदा है हर के ओ अर्जा खर्द अर्जा गोहरे तिफले बकरजे ना दहद कि जो शख्स किसी चीज को अर्जा लेता है सस्ता लेता है अर्जा दे भी देता है सस्ता बेच भी देता है क्योंकि बच्चा नादान कीमती मोती को रोटी के एवज में दे देता है बच्चे को क्या पता कि ये मोती कितना कीमती है लोग लंबे लंबे जवाबों की कदर करते हैं मुख्तसर और सहल जवाब की कदर नहीं करते आज कल ही में शामली से एक पान फरोश का खत आया था जिसमें इसी किस्म का सवाल था मैंने उसका मुख्तसर जवाब दिया तो वो लिखते हैं कि खुश्क जवाब से तसल्ली नहीं होती अब वो पान फरोश लिख रहा है कि खुश्क जवाब से तसल्ली नहीं होती क्योंकि वो पान फरोश है और पान पानी का नर है पान पानी का नर है तो उसने पानो की तरह जवाब के लिए भी तरी लाजमी समझी मगर यह ऐसा कयास है जैसा शेख सादी की बांदी ने कयास किया था कि एक शख्स शेख से मिलने आया बांदी दरवाजे पर नाम पूछने गई कुछ देर तक उससे बातें करके वापस आई तो शेख ने पूछा कि कौन था कहा गब, मोह से तो शेख ने कहा कि गब्दुल्ला की क्या है गब्दुल्ला क्या है ये कहा कि उसकी एन यानी आंख में नुकता यानी फूला है यानी बाजू आंख के अंदर फूला सा होता है ना मस्त इसलिए मैंने बजाय अब्दुल्ला के गब्दुल्ला कहा पूछा कि वो क्या कहता था कहा कि कुछ नहीं एक मामूली बात थी मैंने खुद ही जवाब दे दिया वो ये पूछता था कि इस तंजे में पाकी कब होती है कितना धोया जाए मैंने कहा कि इतना घोया मैंने कहा कि इतना धोया जाए कि खाल चू चू बोल कि खाल चू चू बोलने लगे जैसे बर्तन को रगड़ दे जैसे बर्तन को रगड़ते हैं तो वो चू चू करता है तो उसने मौजा इस तंजा को बर्तन पर कयास किया यानी इस तंजे की जगह को उसने बर्तन पर कयास किया तो ऐसे ही उस पान फरोश ने जवाब सवाल को पानों पर कयास किया कि जवाब भी तर होना चाहिए हालांकि ये कयास गलत है जवाब के लिए तरी की जरूरत नहीं बाज दफा खुशकी की भी जरूरत होती है बल्कि बाज दफा जाराबा या गरीबू यानी सख्ती की भी जरूरत होती है और जाराबा बू में ऐसी बरकत है कि इससे बहुत जल्द तमाम शुभहात हल हो जाते हैं हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी रहमत का इर्शाद है अलवाजुन बिलमी वालिकमी व सईफ अब लाज अल अमी के नसीहत और अगर इल्मिक के साथ हो नसीहत अगर इल्मिक के साथ हो तो नफा पहुंचाती है और तलवार सरों पर पढ़नी नसीहत गरों में सबसे बलीग नसीहत गर है और कई मरतबा फरमाया था कि अल्लाह ताला ने आसमान से पांच किताबें नाजिल फरमाई हैं चार तो मशहूर हैं तौरात जबूर इंजील और कुरान और फरमाया कि एक पांचवी किताब भी आसमान ही से नाजिल हुई है चुनाचे अल्लाह ताला का इरशाद है वह अन नल हदीद अफी ही शदीद और हमने लोहे को पैदा किया जिसमें शदीद हैबत है तो जब चारों किताबों से किसी की असलाह ना हो तो उसके लिए पांचवी किताब की जरूरत है और वो हदीद यानी नालदार जूता जूते के नीचे लोहे का लगा होता है ना नाल तो नालदार जूता एक शख्स वसाविस में मुबतला थे और मैं उनका इलाज करता था एक दिन वो कहने लगे कि अब तो ये बस होता है कि ईसाई हो जाओ अब तो यह बसवसा होता है कि ईसाई हो जाऊं मैंने इसके जवाब में जोर से एक धौल रसीद किया और कहा कि जाना लायक दूर हो अभी ईसाई हो जा इस्लाम को ऐसे नापाकों की जरूरत नहीं तो इस धौल की ऐसी बरकत हुई कि दस बरस से ज्यादा जमाना हुआ आज तक उनको एक दो शुबात भी ना हुए। इसी तरह एक जाकिर की आदत थी जाकिर की आदत थी कि वो जिक्र से उठ उठ कर भागते थे मैंने उसका ये इलाज किया कि अपने पास बिठला कर उनसे जिक्र कराया और जब भागने लगे तो जोर से पकड़कर फिर बिठा दिया और दो धप रसीद किए फिर उमर भर उनको ये जोश ना आया खैर ये तर्ज अमल तो सबके साथ नहीं हो सकता क्योंकि हमारी हकूमत नहीं लेकिन ये तो हो सकता है कि जाहिलों को मुंह ना लगाया जाए और उनके लायानी सवाल का खुश्क जवाब दिया जाए इससे भी उनका दिमाग दुरुस्त हो जाता है चुनाचे एक बार में सहारनपुर गया वहां एक साहेब बेहती जेवर बगल में दबाए हुए जब बेहती जेवर छपा बड़ा शोर हुआ उस वक्त बरेल भी उन्हें बड़ा शोर मचाया बड़े फतवे दिए तो एक साहेब बेहती जेवर बगल में दबाए हुए लाए और एक मसला पूछा और मसला दिखाकर मुझसे कहने लगे कि यह मसला देख लीजिए तो मैंने कहा कि मेरी तो सारी किताब बार बार देखी हुई है मुझे आप क्या दिखलाते हैं कहने लगे कि यह मसला समझ में नहीं आया मैंने कहा कि इसका मतलब समझ में नहीं आया या इसकी दलील समझ में नहीं आई इसका मतलब समझ में नहीं आया या इसकी दलील समझ में नहीं आई अगर मतलब समझ में नहीं आया तो मैं इससे ज्यादा आसान इबारत में बयान करने पर काजिर नहीं जितनी आसान इसमें लिखा है इससे ज्यादा बयान करने पर कादिर नहीं मेरे नजदीक बेहशती जेवर निहायत आसान उर्दू में है कहने लगे मतलब तो समझ लिया दलील समझ में नहीं आई मैंने कहा क्या इस मसले के सिवा बेहती जेवर के तमाम मसाइल की दलीलें आपने समझ ली हैं? या और भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी दलीलें मालूम नहीं हुई और अगर सबकी दलीलें मालूम हो चुकी तो मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए कि मैं किसी मसले की दलील आपसे दरियाफ करूं। कहने लगे कि नहीं और भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिनकी दलील मुझे मालूम नहीं मैंने कहा कि फिर इसको भी उसी फहरिस में दाखिल कर लीजिए इसको भी उसी फहरिस्त में दाखिल कर लीजिए इसी की दलील जानने की क्या जरूरत है बस अब उनकी मनत खत्म हो गई और किताब बगल में दबाकर रुख्सत हो गए बाद में मालूम हुआ कि इस शख्स ने तीन रोज से हजरात सहारनपुर को तंग कर रखा था तीन दिन से किताब उठाए उठाए फिर रहा था और वो हजरात खुश अखलाकी से इसको दलील समझा रहे थे लेकिन मैंने चार मिनट में उसको लाजवाब करके उठा दिया उनके जाने के बाद एक साहिब जेंटल तशरीफ लाए यानी अंग्रेजी पढ़े लिखे जेंटल और तहजीब खैर ख्वाही के लहजे में फरमाने लगे कि बाज जोहला इस मसले पर तान करते हैं जिससे हमारा दिल दुखता है कि हमारे सामने हमारे बुजुर्गों को बुरा कहा जाए इसलिए मुनासिब है कि बेहती जेवर के इस मसले के मुतालिक जो मुखालिफिन का एतराज है उसके जवाब के लिए एक जलसा मुनिद करके हक को वाजे कर दिया जाए अब ये एक नया सोचना छोड़ा मैंने कहा कि आपकी खैर ख्वाही में शक नहीं मगर यह बतलाइए कि दुनिया में एक जमात देहरिया एक जमात देहरिया यानी खुदा ताला को एक तमत रसूल अलैहि वसल्लम को एक जमात सहाबा को और एक आय मुश्तन को बुरा कहती है बुरा भला कहती है और यकीनन उससे भी आपका दिल मजरू होता है आपने उसका क्या इंतजाम किया उसका क्या इंतजाम किया हर काम तरतीब से अच्छा होता है आप पहले इन जमातों का इंतजाम कर दीजिए आखिर मैं ऐसी जमात का मैं इंतजाम कर दूंगा जो बेइज्जती जेवर पर तान करते हैं बस इसका कुछ जवाब न था मैं कहता हूं कि जाहिलों का जवाब अमली जवाबों से नहीं हो सकता बस उनके लिए तो पांचवी किताब हो या उनको ये जवाब दो बल्कि धमका दो या खुश्क जवाब दे दो जैसा मैंने सहारनपुर में दिया था हाँ अगर कोई इस्फादे की गरज से सवाल करे यानी उसकी जरूरत है और वो जरूरत में सवाल कर रहा है तो उसमें इस्ते की काबिलियत भी हो तो उसके लिए हम हर वक्त इलमी जवाब देने को तैयार हैं और अगर इस्तादा मतलूब ना हो या उसमें इस तहकीक की इस ना हो तो उसको इलमी जवाब हरगज ना दो क्योंकि इससे उसकी असला ना होगी बल्कि और ज्यादा वो हलाक होगा और शुभहात का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा देखो अगर एक पौधा सा आदमी आए और ये कहे कि मेरे सर पर दो मन का बोरा उठवा दो तो भला बतलाइए कि हम क्यों कर दो मन का बोरा उसको उठवा दे यकीन उसका तो घू निकल जाएगा यानी उसके अंदर तो इतनी जान ही नहीं है जैसे एक शख्स का किस्सा है कि रात को बिस्तर पर पेशाब कर लिया करता था तो बीवी ने मलामत की कि, कि कम वकत यह क्या हरकत है कि तू बड़ी उम्र का आदमी होकर बिस्तर पर रात को मूदता है कहने लगा कि क्या बतलाऊं रात को हर रोज शैतान ख्वाब में आता है कहता है चलो सैर को चले और मैं साथ हो लेता हूं रास्ते में पेशाब की जरूरत होती है उस वक्त में अपने नजदीक कदमचे पर बैठकर पेशाब करता हूं और वो बिस्तर पर निकल जाता है तो बीवी भी उसकी बेवकूफ थी कहने लगी कि जब शैतान जो जिन्नात का बादशाह है तुम्हारा ऐसा दोस्त है तो उससे यूं कहना कि हम गरीब आदमी हैं कहीं से बहुत सा रुपया हमको ला दे मर्द ने कहा कि आज रात को तो जरूर कहूंगा चुनाचे रात को ख्वाब में शैतान आया और उसने बीवी की फरमाइश उसके सामने जाहिर की शैतान ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है दोनों चले और खजाने में ले जाकर शैतान ने उसके ऊपर लादना शुरू किया किसी खजाने पर ले जाकर उसके ऊपर लादना शुरू किया इतना लादा इतना लादा कि मियाँ का गु निकल गया सुबह सुबह को आंख खुली तो खजाना तो खजाना तो गायब अलबत्ता बिस्तर पर पेशाब के साथ पखाना गू भी ढेर मौजूद था तो बीवी ने कहा बीवी ने कहा कि ये क्या वाहियात है उसने सारा किस्सा कहा वो कहने लगी कि मैं ऐसे खजाने से बाज आई तुम तुम पेशाब भी कर लिया करो तो साह... साहिब, साहब तहमुल से ज्यादा किसी पर बोझ लादने का अंजाम यही होता है कि उसको हासिल तो कुछ ना होगा हाँ हलाकत में पड़ जाएगा अल्लाह ताला तहमेन

ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم امين برحمتك يا ارحم الراحمين